साथियों, इस बार बजट में एक बात जो सबसे खास और सबसे अलग है वो है पब्लिक इन्वेस्टमेंट। ये कितना बड़ा कदम है और इसका असर कितना बड़ा होगा, इस बात का अनुमान आप इससे लगा सकते हैं कि वर्ष 2013-14 में हमारे आने से पहले, 7 साल पहले, पब्लिक इन्वेस्टमेंट सिर्फ 1,87,000 करोड़ का था, 1,87,000। इस बजट में ये 7,50,000 करोड़ रुपए का रखा गया है। यानी यूपीए सरकार की तुलना में 4 गुना ज्यादा। सरकार जब इतना बड़ा खर्च करेगी तो इस पैसे से क्या होगा? इससे देश में और ज्यादा निवेश आएगा और ज्यादा आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार होगा। साथ साथ लोहा बेचने वाला, लोहा बाजार में काम करने वाला, सीमेंट बेचने वाला, सीमेंट बाजार में काम करने वाला, इस प्रकार के निर्माण कार्यों से जिनकी स्किल है उस नौजवान, यानी कितनी बड़ी इकोनॉमी की एक बड़ी एक दूसरे को इफेक्ट पॉजिटिव खड़ी होती है। और नौकरियों के लिए तो अनेक दरवाजे खुल जाते हैं साथियों। इसके कारण देश के लिए पूंजी तैयार होगी, सामान्य मानवी का जीवन आसान भी होगा और बेहतर भी होगा। ये सब कैसे होगा ये समझने के लिए आप अपनी सरकार के 7 साल के काम को समझिए। 2014 में देश में 90,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे थे। ये 90,000 किलोमीटर हाईवे पिछले 70 साल में बने थे, जबकि हमने पिछले 7 सालों में ही 50,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाए हैं। पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान के तहत देश में हजारों किलोमीटर के नए हाईवे और बनाएंगे। इससे न केवल शहरों से लेकर गांवों और कस्बों तक बेहतर कनेक्टिविटी होगी, बल्कि इससे देश के हर कोने में इंडस्ट्री भी पहुंचेगी। इससे हर सेक्टर में लाखों नए रोजगार भी पैदा होगी। और हम जानते हैं एक जमाना था जहां नदी जाती थी, जहां पानी होता था, उसके नजदीक में गांव बसते थे। फिर समय बदलता गया और अब जहां हाईवेज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंटरनेट है, वहां लोग बसते हैं। इस बदलते हुए युग को हमें समझना होगा। और इससे ये जो रचना हो रही है वो लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए बहुत बड़ी ताकत हो जाती है। आज अगर हमारे देश में कोई उत्पाद विदेश भेजनी है, मानो फल सब्जी हमारा किसान भेजना चाहता है, लेकिन अगर 6 दिन तक वो ट्रैवलिंग करता रहेगा तो कौन खरीदेगा? ये रोड रास्ते अच्छे बनेंगे तो किसान की पैदावार भी बहुत ही कम समय में अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचाएगी, और उसके कारण उसको जो आर्थिक नुकसान होता है वो भी बच जाएगा। इतना ही नहीं, इन सब कारणों के, गति शक्ति के प्रोजेक्ट के कारण रियल एस्टेट सेक्टर में भी बहुत बड़ी गति मिलने वाला है। इसी तरह देश में 4 जगह पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क भी बनाए जाएंगे। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक फैसिलिटीज के लिए 100 PM गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स भी विकसित किए जाएंगे। 100 PM गति शक्ति कार्गो, सोचिए आप, इससे उद्योगों और व्यापारों के लिए भी किसी भी चीज के लाने जाने में लगने में वाला समय कम होगा और भारत से निर्यात बढ़ाने में मदद मिलेगी। और जब निर्यात बढ़ता है तो उत्पादन और आमदनी बढ़ती है, रोजगार के अवसर बढ़ते हैं।